हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रीति और मेरी किचन में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रेड पकौड़ा। तो चलिए आइए देख लेते हैं इसकी रेसिपी। इसके लिए हम एक प्याज लेंगे और उसे बारीक काट लेंगे। साथ में हम धनिया पत्ता और हरी मिर्च भी बारीक काट लेंगे। जो सारे वेजिटेबल्स को बारीक काटे थे उन्हें हम एक बाउल में लेंगे और उस बाउल में हम एक कप बेसन ऐड करेंगे। और फिर हम उसमें हाफ टी स्पून हल्दी और हाफ टी स्पून अजवाइन मंगरेल का मिक्सचर, ये मिक्सचर मैंने अजवाइन और मंगरेल को इक्वल प्रपोर्शन में मिला के बनाया है। हम इसे किचन में ऑलवेज मिला के रखते हैं। आप अगर आपके पास मिक्सचर नहीं है तो आप थोड़ा थोड़ा अजवाइन, थोड़ा सा मंगरेल लेके मिला सकते हैं और फिर स्वाद के अनुसार नमक ऐड करेंगे। अब हम इसमें अराउंड हाफ कप वाटर ऐड करेंगे और अपने मिक्सचर को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी हमें थोड़ा थिक साइड में ही रखना है, ये ज़्यादा पतला ना हो। अगर आपको लगे कि आपका बैटर थोड़ा पतला हो गया है तो आप उसमें और बेसन ऐड कर सकते हैं। बैटर की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से होगी, ये ना तो ज़्यादा गाढ़ा है ना ज़्यादा पतला है। अब हम वाइट ब्रेड लेंगे और इसे ट्रायंगल शेप में काट लेंगे। आप चाहो तो ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हो या फिर जो मल्टीग्रेन ब्रेड आता है आप वो भी यूज़ कर सकते हो। और आप इसे कोई भी शेप में कट कर सकते हो, सेंटर से, मिडल से, स्क्वायर शेप में भी काट सकते हो। लेकिन हाँ, इस बात का ध्यान रखें कि आप कोई भी ब्रेड यूज़ करें आप उसके 4 स्लाइस ही करें, ज़्यादा छोटा पीसेस ना करें। इसी तरह से हम बाकी के बचे हुए ब्रेड भी कट कर लेंगे। ये देखिए, ये हमारा ऑयल गर्म हो गया है। अब हम क्या करेंगे कि स्पैचुला से ऑयल को कढ़ाई के चारों तरफ ऐसे स्प्रेड कर देंगे ताकि उससे हमारा जो पकौड़ा है वो कढ़ाई में चिपके ना। और ऑयल का टेम्परेचर अगर आपको चेक करना है तो आप इसमें बैटर का 1 ड्रॉप डाल सकते हो और अगर वो तुरंत राइज होकर ऊपर आ जाए इसका मतलब हमारा टेम्परेचर परफेक्ट है फ्राई करने के लिए। अब हम बैटर लेंगे और उसमें ब्रेड को इस तरह से डिप करेंगे, अच्छे से इसे चारों तरफ से कोट करके इसे ऑयल में धीरे से छोड़ देंगे। इसी तरह से हम इसमें 3 या 4 एक साथ डाल करके इसे मीडियम फ्लेम पे हम फ्राई करेंगे। इसे ना तो ज़्यादा हाई फ्लेम पे फ्राई करना है और ना ही लो फ्लेम पे। इस बात का ध्यान रखें कि इसे मीडियम फ्लेम पे ही आप फ्राई करें। अगर हम इसे हाई फ्लेम पे जल्दी जल्दी फ्राई कर देंगे तो ये हमारा जल्दी ब्राउन हो जाएगा लेकिन इसमें क्रिस्पीनेस नहीं आएगा। अगर इसे क्रिस्पी बनाना है, जो कि पकौड़ा क्रिस्पी ही अच्छा लगता है, तो आप इसे मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करें और इसे हल्का सा रेडिश ब्राउन होने तक हम फ्राई करेंगे। देखिए, ये हमारा पकौड़ा रेडी हो गया है, अच्छे तरह से फ्राई हो गया है। अब हम इसे आराम से टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे ताकि इसका जो एक्सेस ऑयल है वो ड्रेन आउट हो जाए। अब हम इसे सर्व कर लेंगे सॉस के साथ। आप इस पे हल्का सा चाट मसाला भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। देखिए ये कितना यम्मी और क्रिस्पी लग रहा है। प्लीज़ आप इसे घर पे ज़रूर ट्राई करें और अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।